डिटेक्टिव करण को खबर मिलती है कि एक कार चोरी हो गई है, तो वो चोरी की छानबीन कर रहा था। तभी करण को घर के बाहर एक आदमी दिखाई देता है, तो करण उसके पास तुरंत पहुंच जाता है। शायद उस चोर को उसने भागते हुए देखा हो, तो वो आदमी कहता है कि हाँ, मैंने मिरर में एक नकाबपोश आदमी को कार से भागते हुए देखा था, उस कार का नंबर मुझे पता है। वो आदमी डिटेक्टिव करण को कार का नंबर दे देता है। दोस्तों, ये है उस कार का नंबर जो उस आदमी ने मिरर में देखा था। डिटेक्टिव करण इस नंबर से मिलती जुलती ऐसी चार कार ढूंढ लेता है, लेकिन करण को समझ नहीं आ रहा था कि इनमें से चोर की कार कौन सी है। डिटेक्टिव करण चारों कार के नंबर्स को ध्यान से देखता है और तुरंत समझ जाता है कि इनमें से चोर की कार कौन सी है, लेकिन कैसे। दोस्तों, क्या आप सोच कर बता सकते हो क्या? तो ध्यान से सोचिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब देखते हैं। इसमें तो बस आपको थोड़ा ध्यान से सोचने की जरूरत थी। उस आदमी ने चोर की कार का नंबर मिरर में देखा था। उसने जो नंबर देखा था तो वो नंबर उल्टा था। तो कार का असली नंबर ये है, क्योंकि मिरर में हमें कोई भी चीज उल्टी दिखाई देती है। तो उनमें से चोर की कार हुई ये तीन नंबर वाली। डिटेक्टिव करण तुरंत उस चोर को पकड़ लेता है। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। दोस्तों, पजल नंबर 2 आज थोड़ी हटके होने वाली है। आपके सामने एक पिक्चर आई है जिसमें दो नौकरानियां अपने अपने घर में काम कर रही थी, लेकिन इन दोनों में से किसी एक ने चोरी की है। दोस्तों, क्या आप इन दोनों पिक्चर को देखकर बता सकते हो क्या कि इनमें से चोरी किसने की है? तो ध्यान से सोचिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब देखते हैं। इसमें तो बस आपको पिक्चर को ध्यान से देखने की जरूरत थी। चोरी इस वैक्यूम क्लीनर वाली नौकरानी ने की है। वो वैक्यूम क्लीनर से साफ करते करते धीरे से सोने की रिंग भी वैक्यूम क्लीनर में खींच लेती है, ताकि वो बाद में कचरे से रिंग उठा सके। दोस्तों, वैसे आपने क्या जवाब सोचा था? तो वह हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए जल्दी से अब हमें बताइए कि इस पिक्चर की सही परछाई कौन सी है। तो अच्छे से देखिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब देखते हैं। ये चार नंबर वाली इस पिक्चर की सही परछाई है। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। मिस्टर शर्मा की तीन बेटियां हैं, नेहा, रिया और जया। एक दिन मिस्टर शर्मा का उनके घर पर मर्डर हो जाता है। इंस्पेक्टर संपत उन तीनों से पूछताछ करने के लिए उन्हें पुलिस स्टेशन बुलाता है। पहले नेहा आती है और वो इंस्पेक्टर संपत को बताती है कि मैं तो उस टाइम नहा रही थी, मुझे कुछ नहीं पता। फिर रिया आती है और वो बताती है कि मैं तो उस टाइम
किचन में खाना बना रही थी, मुझे भी कुछ नहीं पता। फिर जया आती है तो वो बताती है कि आज सुबह से घर के नल में पानी नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने प्लम्बर को बुलाया था, तो मैं तो उसी के साथ थी, आप चाहो तो उससे पूछ सकते हो। तो इंस्पेक्टर संपत प्लम्बर को बुलाता है। प्लम्बर बताता है कि हाँ, जया मेरे साथ थी, नल में पानी नहीं आ रहा था तो मैं तो उसे ठीक कर रहा था। वैसे इस मर्डर के बारे में मुझे भी कुछ नहीं पता। दोस्तों, क्या आप चारों की बातें सुनकर बता सकते हो क्या कि खूनी कौन है? तो ध्यान से सोचिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब देखते हैं। खूनी नेहा है। भाई, जब नल में पानी नहीं आ रहा था तो फिर नेहा कैसे नहा सकती है? मतलब वो झूठ बोल रही थी, उसी ने मिस्टर शर्मा का खून किया है। इंस्पेक्टर संपत उसे तुरंत पकड़ लेता है। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपसे पूछा था तो उसका सही जवाब है 17 सितंबर 1950। इस सवाल का जवाब आप में से सभी लोगों ने सही दिया है। तो उनमें से उन 5 लकी विनर के नाम ये रहे: अजित मोदी, सुषमा तिवारी, कैलाश चांद, सीमा कश्यप, संजना अय्यर। दोस्तों, आप पांचों को मनोरंजन मसाला की ओर से बहुत बहुत बधाई हो। तो भाई, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे ये रहा: ऐसी कौन सी सब्जी है जिसमें जिला, भाषा और देश तीनों के नाम आते हैं? तो फिर देरी कैसी, जल्दी से कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। दोस्तों, एक लड़का एक लड़की के पास से गुजरता हुआ बोला, तुम्हारा नाम क्या है? तो लड़की बोली, मेरा नाम ये है। ये देखकर लड़का बोला, मैं तो कंफ्यूज हूँ। मगर लड़की बोली, सिर्फ बुद्धिमान लोग ही मेरा नाम गेस कर पाएंगे। तो जरा अच्छे से सोचिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, पता चला क्या आपको कि उस लड़की ने अपना नाम क्या कहा? नहीं पता? अरे यार, यह तो बहुत ही सिंपल था। लड़की ने अपना नाम अंकिता कहा। देखिए भाई, सबसे पहले है 4, जिसे हम अंक कहते हैं, और बाद में है की, और लास्ट में है ता। तो तीनों मिलाकर हो गया ना अंकिता। दोस्तों, क्या आपने यह नाम सही गेस किया था क्या? तो इस बात पर वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। ऐसी कौन सी चीज है जिसके टूटने पर उसकी आवाज नहीं आती? तो भाई, जरा सोचो कि वह कौन सी चीज है। दोस्तों, इस पहेली के 2 जवाब है। पहला दिल टूटना और दूसरा जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही नई पजल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।